you have discussed that there are two tubes adjacent to the ovary. Then how, if there is one egg, how the twin baby pregnancies occurred? And if one tube is closed, then either the other tube is working or not. And what is the quality of male sperm to make the pregnancy? Your first question was about the tubes. As I said, the tubes are paired structures, two tubes, and any condition which affects one tube, like if there's any surgery, any tuberculosis, any infection of the abdomen, lower abdominal cavity, it can affect one tube or it can affect the other tube as well. Appendix operation, it is like on the right side always. Sometimes after the appendix operation, what happens, there are adhesions develop, it thin membranes develop which may block the tube, or infection can occur on one side. In tuberculosis, sometimes one tube can be blocked, the other may be also be blocked. So tubes may be blocked, one can be blocked or both can be blocked. It is like, but as I said, if one tube is blocked, she can get pregnant. There's no problem because the other tube is working. If it is working, there's a 50% chance of her getting pregnant with one tube. There's no issue. I've seen patients conceiving with one tubes. Okay? So this is not the problem, one tube. But usually if there's any disease process, if there's any infection in the lower abdominal cavity, it can damage both the tubes. Sometimes we do an X-ray to check about the tubes, whether they are patent or not. Even if they are patent, and like one tube is open and the other is not open, and she's not conceiving for the last 5 years, I would say that maybe that tube is open, but it is not functional. As I said, that any infection, kabhi aapne kahi jagah infection ho jaye, dana ho jaye, wahan pe baal nahi ukta, dekha na kabhi. तो अगर उस ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ के जो वो जो सीलियाज जो बाल हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो ट्यूब फंक्शनल नहीं रहती, ठीक है ना? ये नहीं कि वो whether both the tubes are working or not, if both tubes are working, whether the twin pregnancy occur or not. ट्विन प्रेगनेंसी जो होती है उसकी बिल्कुल एक डिफरेंट वो है. ट्विन प्रेगनेंसी दो एग्स से भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि नेचुरल साइकिल में किसी औरत के दो एग्स बने, बट इट इज ये मतलब इट इज़ नॉट अ रेगुलर वो, किसी किसी में इट इज़ अ कोइंसिडेंस के दोनों तरफ एग्स बने और दोनों ट्यूब से एग आकर जो है ना वो इम्प्लांट हो जाए, बट दिस इज़ रेयर, दिस इज़ वेरी रेयर. ट्विन प्रेगनेंसी वो दो तरह की होती है. एक ट्विन प्रेगनेंसी होती है जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं. उनमें ये होता है कि बेबी एक ही बनता है और वो जाके वोम में, यूट्रस में जाके वो बेबी जो होता है, इनिशियल जो ग्रोथ हो रही होती है, वो दो में डिवाइड हो जाता है. वो आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं, ठीक है ना? वो दो एक जैसे होंगे, बिल्कुल सेक्स भी एक होगी और उनका सब शक्ल भी एक होगी. लेकिन समटाइम्स देयर आर नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स. जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जिनका जेंडर भी फर्क होता है, जिनकी शक्ल सूरत सब फर्क होती है, उसमें ये रेयर कंडीशन हो सकती है कि दो एग्स दोनों तरफ से बने हों, या एक ही तरफ दो एग्स बने हों और वो इम्प्लांट हो गया, दो डिफरेंट. लेकिन आजकल जिस तरह की फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, फर्टिलिटी मेडिसिन जो होती हैं, दे कॉज प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल एग्स, जिसकी वजह से ट्विन्स, ट्रिपलेट्स के चांसेस जो हैं वो बहुत हाई हो गए. उसमें नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं कि तीन चार एग्स बने हुए होते हैं, सारे के सारे फर्टिलाइज हो जाते हैं, सारे के सारे आके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाते हैं. तो ये एक कंडीशन होती है जिसमें मल्टीपल ग्रोथ्स भी होती हैं. द मेन क्वालिटीज इन द मेल स्पर्म टू जनरेट द प्रेगनेंसी. अच्छा, इट इज़ लाइक इट इज़ अ मोर ऑफ अ साइंटिफिक क्वेश्चन. स्पर्म्स का ये होता है कि थोड़ा सा मैं आपको उसकी थोड़ी सी बताऊंगी कि स्पर्म्स जो हैं वो मेल्स में बनना शुरू होते हैं एट द एज ऑफ 12 इयर्स. दिस इज़ ऑल फॉर योर अवेयरनेस. आई वुड से 12 13 इयर्स की एज पे मेल स्पर्म्स बनना शुरू होते हैं. और मेल स्पर्म्स जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो बहुत बहुत थाउजेंथ पार्ट ऑफ अ डॉट, आप समझ लें, इतना छोटा होता है, और प्रोड्यूस होते हैं एट द एज ऑफ 12 to 13 इयर्स. और उसके बाद ये कॉन्टीन्यूस बनते रहते हैं और हमेशा बनते रहते हैं. औरतों की तरह नहीं होता कि 50 इयर्स पे एग्स ख़त्म हो जाते हैं. आदमियों में स्पर्म्स, दे कीप ऑन प्रोड्यूसिंग देयर एग्स होल देयर लाइफ, ठीक है ना? स्पर्म्स का ये होता है कि जब हम सीमन सैंपल को चेक करते हैं, जो भी सैंपल देता है उसमें जो उसका काउंट होना चाहिए स्पर्म्स का, इट शुड बी लाइक 60 मिलियन स्पर्म्स पर ml. 60 मिलियन स्पर्म्स पर ml ऑफ द सीमन सैंपल, इतना ज़्यादा उसमें होता है, ठीक है ना? लेकिन
स्पर्म्स जो होते हैं ना, दे कैन मूव, एग्स कैन नॉट मूव बट स्पर्म्स कैन मूव, क्योंकि उनका काम यही है कि उन्होंने मूव करके ऊपर जाना है. इसीलिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि उसका एक हेड होता है, एक उसकी नेक होती है और एक उसकी टेल होती है. तो वो टेल की मदद से वो मूव करते हैं. तो ये जो स्पर्म्स होते हैं इनका काउंट 60 मिलियन पर ml होना चाहिए, विच इज़ नॉ जो एवरेज आप पूछ रहे हो, नॉर्मल दिस इज नॉर्मल काउंट 60 मिलियन पर ml. उसके बाद जो सारे के सारे स्पर्म्स होते हैं ना, दे कैन नॉट मूव, दे आर नॉट ऑफ सेम क्वालिटी, सारे के सारे एक क्वालिटी के नहीं हो सकते. दे आर ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट मोटिलिटी उनकी बिल्कुल फ़र्क होती है. फर्टिलिटी के लिए, अच्छी फर्टिलिटी के लिए 50% ऑफ स्पर्म्स को मूव करना चाहिए. वी कॉल इट ग्रेड 4, जिसमें के जो स्पर्म है ना वो बहुत तेज जाता है सीधा, ठीक है, दिस इज द नंबर वन स्पर्म्स. उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं उनकी मोटिलिटी ऐसी होती है कि वो जा तो रहे होते हैं लेकिन वो टेढ़े टेढ़े जा रहे होते हैं. उसके बाद कुछ स्पर्म्स होते हैं जो एक ही जगह पे घूम रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ग्रेड 2. फिर एक स्पर्म्स होते हैं जो कि खाली अपनी एक ही जगह पे टेल्स को विगल कर रहे होते हैं, और एक स्पर्म्स होते हैं जो बिल्कुल डेड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डेड 0. तो 0, 1, 2, 3, 4 ग्रेडिंग होती है. फॉर नेचुरल कंसेप्शन सीमन सैंपल शुड हैव ग्रेड 3 to 4 स्पर्म्स, एटलीस्ट 50% ऑफ द स्पर्म्स शुड हैव ग्रेड 3 and 4 फॉर नॉर्मल कंसेप्शन. बिकॉज ये एक नॉर्मल बात है, जो स्पर्म नीचे से ऊपर जा ही नहीं पा रहा उसने क्या पहुंचना है वहां तक, क्योंकि उसकी असल डेस्टिनेशन है द एंड ऑफ द ट्यूब. तो अगर स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी होगी तो वो वहाँ पे पहुँच के फर्टिलाइजेशन करेगा. अगर वो स्पर्म्स वहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं तो उसने नहीं करना. इसीलिए द काउंट इज़ इम्पॉर्टेंट बट द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ही मे हैव 70 मिलियन काउंट विद 0 मोटिलिटी, विद 1 grade 1 or 2% motility. So this is very important for the semen sample to have good count, good motility and sperms of good morphology. As I said, morphology is the shape. Morphology क्या होती है कि sperm का एक head है जिसका एक खास size होता है, एक tail है जिसका एक खास size होता है, head में सारा genetic material होता है. अगर उस head का size बहुत छोटा है, we have seen sperms with pin heads, we call them pin heads. We have seen sperms with globose heads, बहुत बड़े heads जो कि fertilization कर ही नहीं सकते, बहुत छोटे heads होते हैं. Genetic material is in the head. अगर head abnormal है तो जाहिर है कि conception में problem होगा. तो ये बहुत important है. Sperm का analysis जो है ना, it is very very informative. बाज़ दफ़ा इसकी डिफरेंट स्पर्म हमने, जैसे कि जो वीक स्पर्म्स होते हैं वी कॉल इट एस्थीनोस्पर्मिया, देन जो जहाँ पे स्पर्म्स बहुत एबनॉर्मल होते हैं, एक कोई थे साहब उनका हमने बहुत पहले एक सीमन सैंपल किया था, उनका जो स्पर्म था उसकी शेप ऐसे थी कि सेंटर में हेड था और चारों तरफ 5-6 टेल्स थे. सो इसकी जो शक्ल भी है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिफ्थ जो WHO का क्राइटेरिया उसके मुताबिक 50% ऑफ द स्पर्म्स शुड हैव नॉर्मल शेप्स. बट हम लोग चूंकि वी आर डीलिंग विद इनफर्टिलिटी, वी आर डूइंग टेस्ट ट्यूब बेबीज, वी हैव टू चूज स्पर्म्स वेरी वेरी नॉर्मल स्पर्म्स या वेरी वेरी नियर टू नॉर्मल स्पर्म्स. हमारा क्राइटेरिया स्पर्म की सिलेक्शन का फॉर टेस्ट ट्यूब बेबीज वेरी स्ट्रिक्ट. ओनली 1 to 2% स्पर्म्स अगर किसी के सैंपल में हमारे टेस्ट हमारे पास कोई टेस्ट कराए उसमें नॉर्मल सैंपल में अगर 1 to 2% स्पर्म नॉर्मल आ जाए, वी कंसिडर इट एज गुड सैंपल बिकॉज आवर क्राइटेरिया इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. हमने उसकी पूरी एक मेजरमेंट करनी होती है. जो भी स्पर्म उसके मेजरमेंट से ज़रा से भी इधर उधर होता है, वी लाइक डिस्कार्ड इट. सो द सीमन सैंपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. Yeah, she is asking about the estrogen progesterone hormones. Estrogen hormone is like both of these hormones, they have different actions on the body. Estrogen hormone is, I said, is a happy hormone. It makes the female very sensitive. Progesterone has a little role in this the psychological symptoms mein, but the estrogen has the major role in leading to these psychological symptoms like anxiety, depression and all this. So estrogen has the major role. बेटा, एजोस्पर्मिया इज अ कंडीशन व्हेन देर आर नो स्पर्म्स इन द सीमन सैंपल. सीमन सैंपल है, सीमन प्रोड्यूस हो रहा है, बट देर आर नो स्पर्म्स इन द सीमन सैंपल.
इस कंडीशन में हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ये होते हैं कि हम एक बायोप्सी करते हैं, नीडल डालते हैं और अंदर से जो फ्लूइड है उसको कलेक्ट करते हैं और उसमें चेक करते हैं, अगर तो हमें उसमें से स्पर्म्स मिल जाएं तो हम उनको रिट्रीव करके उनको फ्रीज कर देते हैं और उसके बाद जो फीमेल होती है उसको पूरा जो है वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देते हैं, उसको इंजेक्शंस बना लगा के उसके एग्स को बनाते हैं और उसके बाद वो जो स्पर्म्स होते हैं उनको हम बाहर लैब में एग्स और स्पर्म्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और उनको इनक्यूबेटर में 5 डेज तक ग्रो करके एम्ब्रियोस को बना के वापस अंदर रख देते हैं। लेकिन बास कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि एजोस्पर्मिया है और हमें बायोप्सी जो है वो नेगेटिव होती है, हमें बायोप्सी पे स्पर्म्स नहीं मिलते, उस कंडीशन में हम लोग वाकई उस कपल को हेल्प नहीं कर पाते अगर स्पर्म्स ना हो बिल्कुल। लेकिन अगर अंदर से स्पर्म्स मिल जाएं, अंदर प्रोडक्शन हो रही हो स्पर्म्स की, और फिर तो हम हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक जो कंडीशन जिसके लिए बताऊंगी मैं कि मॉम्स जो है वो लड़कों में एट द एज ऑफ 12-13 ईयर्स इज वेरी फैटल, बिकॉज मॉम्स अगर एक दफ़ा टेस्टिकल्स को डैमेज कर दे तो बहुत ज़्यादा उसमें चांस होता है कि वो उसके अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत केयरफुल होना चाहिए लड़कों में, मॉम्स 12-13 ईयर्स इज़ नॉट अ गुड साइन। जो प्रेगनेंसी के दौरान एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं बच्चों में, यूजली हमने काफ़ी देखी हैं, तो वो क्या वजूहात हो सकती हैं उसकी? क्या ये एक रीज़न हो सकती है कि जो स्पर्म है वो इस काबिल तो है कि वो फर्टाइल कर सके उसको, एग को, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट हो रहा है, और वो किस हद तक आगे एम्ब्रियो को और उस बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकता है? अच्छा अच्छा बेटा, पहली तो बात ये है कि अल्लाह ताला का निज़ाम जो है ना वो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छा इस लिहाज से है कि दुनिया में जो एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं दे आर ओनली 3% ऑफ दी ऑल कंसेप्शंस, नेचुरल कंसेप्शंस जो एबनॉर्मल कंसेप्शंस होती हैं उनमें से 3% सिर्फ दुनिया में आते हैं, बाकी 97% एबनॉर्मल बेबीज़ को नेचर खुद ब खुद डिस्कार्ड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ मिसकैरेजेस। बॉडी यूट्रस उसको ज़्यादा देर तक अपने अंदर जो एबनॉर्मल कंसेप्शन होती हैं उनको ज़्यादा देर तक अंदर रखता नहीं है, तो इसलिए अगर किसी का मिसकैरेज कभी होता है तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर शुक्र सबक करना चाहिए कि मोस्ट ऑफ दीज मिसकैरेजेस आर बिकॉज द कंसेप्शंस आर नॉट नॉर्मल, ठीक है ना। सिर्फ 3% वो होते हैं जो कि वो जो यूट्रस के जो बैरियर होते हैं उनको क्रॉस करके दुनिया में ग्रो करके आ जाते हैं, 97% नेचर खुद ब खुद लुक आफ्टर कर लेता है उन चीज़ों को। एबनॉर्मल स्पर्म्स जो है वो एबनॉर्मल कंसेप्शन में करता है कि नहीं, इसके ऊपर बहुत कम अभी तक वो हुआ हुआ है, बहुत कम, क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि एबनॉर्मल जो स्पर्म्स होते हैं उनसे कंसेप्शंस अगर हो भी जाएं तो वो आगे ज़्यादा चलती नहीं है, वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही, या तो पहली बात तो वो इस काबिल ही नहीं होता कि वो करे, और अगर कर भी दे तो वो बहुत अर्ली स्टेजेस पे ही जो है ना बेबी आगे वो उस तरह ग्रो नहीं कर रहा होता, फर्टिलाइजेशन के बाद ही इनिशियल स्टेजेस पे ही वो नहीं करता ग्रो। फिर एक मेंस्ट्रुएशन का हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आपने कहा कि बहुत सारे हमारे तो यहाँ बहुत बड़ा टैबू है मेंस्ट्रुएशन पे बात करना, और इसमें आपने नेपाल की मिसाल दी कि नेपाल में औरतों को सेपरेट कर दिया जाता है, तो हमारे यहाँ भी आपको पता है बहुत सारी टैबूज हैं इसके रिलेटेड। तो मतलब आप होली प्लेसेस पे नहीं जा सकते हैं, ये एक नेचर का प्रोसेस है और उस प्रोसेस में से हम उसमें से गुजर रहे हैं, लेकिन मतलब वो फीमेल्स के लिए बहुत सारी इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप होली प्लेसेस पे नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप नेपाल का कह रही थी, बल्कि मैंने पढ़ा कि कैलाश में अभी भी फीमेल्स को इस दौरान जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है। ये किस हद तक ठीक है? मतलब हमें नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है, ये इस प्रोसेस से हमने गुजरना ही गुजरना है। इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी, इट इज नॉट अ मॉर्बिड कंडीशन, इट इज नॉट अ डिजीज कंडीशन। जो सोशल उसके साथ कुछ चीजें जुड़ गई हैं कि जो होली प्लेसेस हैं उन पे फीमेल नहीं जा सकती है, उसमें बात का आपने जिक्र किया कि उसमें बात नहीं ले सकते हैं, उसमें आपको एक इवन पीरियड उसको कंसिडर किया जाता है, ये किस हद तक ठीक है? क्या ये वाकई होना नहीं चाहिए? बिकॉज इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी,
इसके अंदर कोई ये सब चीज़ें जो है ना, बात लेना बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे अपने आप की अपनी हाइजीन को मेंटेन करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक बेटा होली प्लेसेस को विजिट करने की बात है, इट इज़ लाइक इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। हमें अपने रिलीजन को फॉलो करना है, हमारा रिलीजन हमें क्या कहता है कि हमने किस हद तक अपने उस चीज़ों को कर सकते हैं। डिफरेंट रिलीजन्स में, बिकॉज वी आर ऑल हियर, मतलब सब लोग हैं, हम डिफरेंट रिलीजन से भी हो सकते हैं, मैं इस चीज़ को वो नहीं करती, लेकिन हम अपने अपने जो जो जिसके हैं वो तो जाहिर है, बट जैसे इन आवर रिलीजन इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट फॉरबिडन। इवन रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा था कि ईद की नमाज के लिए भी औरतें जो हैं वो इस तरह जाएँ। बच्चा पैदा होता है और उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है 9 महीने तक, तो उस दौरान उसकी कंसेप्शन नहीं होती। नहीं होती, लेकिन हमने देखा कि ये हीट साइकिल के आने के बावजूद भी फिर भी कंसेप्शन हो जाती है, जरा इस पे क्लियर करना। हाँ, बेटा जैसे मैंने बताया कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद उसके अंदर एक हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि बेसिकली जब लैक्टेशन होती है, बच्चा, माँ जो है वो बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ड्यूरिंग लैक्टेशन उसके लेवल्स बहुत हाई होते हैं, और जब लेवल प्रोलैक्टिन का बहुत हाई होता है तो वो पीरियड्स को नहीं आने देता, उसका एक पूरा वो है साइकिल है, जो कि प्रोलैक्टिन हाई होगा तो वो ऊपर से FSH LH को नहीं आने देगा, एग्स नहीं बनेंगे और पीरियड्स नहीं आएंगे, वो सिर्फ उस हार्मोन की वजह से, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया उसे कहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता, बाज़ दफ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बीच बीच में, कोई अगर 3-4 महीने फीड कराया उसके बाद बीच में हो भी सकता है कि एक साइकिल बीच में आ जाए और उसके बाद उसको कंसेप्शन भी हो जाए, बाज़ दफ़ा बीच में कोई एक कंसेप्शन इस तरह हो सकती है, ठीक है ना, वो उसका एक रेगुलर साइकिल जो है वो बीच में बिल्कुल, वो तो बिल्कुल पीरियड आया हुआ ही नहीं है, बीच में हमें नहीं पता किसी वक्त ऊपर से हार्मोन आए, एग बनना शुरू हो जाए और विदाउट एनी पीरियड वो कंसीव कर ले। They still do not agree with this somehow, because it's been instilled in them by the families that it's wrong. Could you please elaborate how it is not wrong? बेटा जो मेंस्ट्रुएशन है ना, इट इज़ लाइक एक, जो भी आप कहें उसको, एक थोड़ी सी अनक्लीन सिचुएशन तो होती है, जिसमें आप जितना ज़्यादा अपने आप को हाइजीन्स आपकी जितनी अच्छी मेंटेन करेंगे उतना अच्छा है। इट इज़ मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं नहाना चाहिए, कोई ऐसा मतलब मुझे तो इसमें कोई वो नज़र नहीं आता, और इवन मेरा नहीं ख्याल ये विद टाइम जो है ऐसा हमारे यहाँ इवन इन रूरल एरियाज में अभी भी आपको पता है कि ख़वातीन को जो है वो ज़्यादातर बची खुची खुराक मिल रही होती है, तो क्या ये होना चाहिए कि हम शुरू से थ्रू आउट, हम जब एक फ़ीमेल होती है बच्ची, उसकी कैल्शियम इनटेक का शुरू से ख्याल रखें, ताकि जब वो उस मेनोपॉज में जाए तो उसका ऑस्टियो प्रोसेस का जो एक प्रोसेस है वो स्लो हो जाए। नहीं बेटा बिल्कुल, अब यही है ना कि हमें शुरू से इस चीज़ को, एज ऑफ मेनार्की से हमने उस बच्ची को लुक आफ्टर करना है, उसकी सारी उसको वेट गेन नहीं उसका होने देना, और उसकी ये जो डेफिशिएंसीज हैं उसको नहीं, क्योंकि ये उस वक्त जब ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका होता है उस वक्त उसको रिवर्स करना फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ भी को आसान नहीं होता, डैमेज है वो हो चुका होता है उस वक्त तक, डैमेज इज ऑलरेडी डन। तो कोशिश ये मतलब ये भी अवेयरनेस का पार्ट ऑफ दिस के दूध पीना, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना, ये सब चीज़ें, दही और इस तरह की चीज़, ये सब चीज़ें तो लेनी चाहिए। स्लो होता है उससे, ख़त्म तो नहीं हो सकता, गैर है वो, हाँ, ख़त्म तो नहीं होते बट स्लो हो जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस, क्योंकि अक्सर होता है कि 45 के बाद ही ख़वातीन जोड़ दुखने लग गए हैं, मतलब ये बड़ा कॉमन है, तो इसलिए दूध पीना जो है ना उसको, दूध और दही इन चीज़ों को, पुराने ज़माने में चीज़ें इसीलिए कम होती थी कि उनकी खुराक इस लिहाज से बहुत अच्छी होती थी। थैंक यू जी। चल जी बेटा, मेरा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ फाइब्रॉइड्स? बेटा फाइब्रॉइड की ग्रोथ का कोई रीज़न नहीं है, अभी तक कुछ नहीं पता, ये एक अपनी अपनी बॉडी की टेंडेंसी होती है, और बहुत कॉमन है हमारी 50% औरतों में फाइब्रॉइड्स होते हैं, बट नहीं, डाइट से, हार्मोन से, किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ये अपना इंडिविजुअली होता है, और इसमें मतलब नॉन मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं, इसमें बहुत लोगों के फाइब्रॉइड्स होते हैं लेकिन वो डायग्नोज नहीं होते, बाज़ दफ़ा उनकी कोई सर्जरी होती है तो पता चलता है, या कोई अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स हैं अंदर, अदरवाइज़
बाज़ दफ़ा बिल्कुल अननोटिस्ड अगर कोई वो सिम्टम्स नहीं दे रहे किसी किस्म के, इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब पीरियड हैवी हो सकता है इससे, बाज़ दफ़ा पेन बहुत हो सकता है, और अगर फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हो जाएं तो वो प्रेशर सिम्टम्स कर सकते हैं, लाइक यूरिन में प्रॉब्लम आ सकता है उसको, स्टूल पास करने में अगर बहुत बड़े हो जाएँ तो। फाइब्रॉइड्स को करते कुछ नहीं है अगर वो कोई इस किस्म के सिम्टम्स ना दें कि पीरियड बहुत हैवी हो जाएं या प्रेशर सिम्टम्स शुरू हो जाएं, तभी उनको कुछ करते हैं, अदरवाइज इनको निकालने का फ़ायदा नहीं होता बिकॉज दे रीग्रो वेरी क्विकली, ठीक है ना। इसलिए अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, इनफर्टिलिटी नहीं कर रहे, बाकी सिम्टम्स नहीं कर रहे, तो उनको छेड़ते नहीं हैं। किसी किसी लाइक जैसे जो हैं ये नाइजीरियंस होते हैं, नीग्रस जो होते हैं, इन लोगों में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, उनमें तो 80-90% ख़वातीन में फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो ये ज़्यादा जो है ना मतलब जेनेटिक होता है, फैमिली में जिनके मदर्स में होते हैं उनमें बच्चियों में भी इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये इसका कोई वो एज सच एटियोलॉजी या कॉज इसकी नहीं पता कि क्या वजह होती है, लेकिन बनते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा कॉमन है। सिर्फ ये कि डायग्नोज नहीं होता, बिकॉज हर औरत जो है वो ज़रूरी नहीं है उसकी सर्जरी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको किसी अल्ट्रासाउंड से गुजरना पड़े, अगर करें तो शायद 50% से ज़्यादा ख़वातीन में फाइब्रॉइड्स नज़र आए। बेटा थायराइड हार्मोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, अगर इनके दोनों के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों कभी कम होता है कभी ज़्यादा, तो दोनों के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। बस जिन लोगों में थायराइड हार्मोन लो होता है उनमें इस तरह की होती है कि वेट गेन हो रहा होता है, भूख थोड़ी लग रही होती है, और खाए पिए बगैर भी वज़न ज़्यादा बढ़ रहा होता है, और बहुत ज़्यादा लो फीलिंग होती है, डिप्रेशन होता है, सुबह उठते हैं तो चेहरे पे थोड़ी सी स्वेलिंग, आँखों के अराउंड स्वेलिंग होती है, ये ज़्यादातर साइंस होते हैं जब हार्मोन लो होता है। और अगर हार्मोन ज़्यादा हो तो उसमें ये होता है कि खाना पीना बहुत होता है, वज़न भी नहीं बढ़ रहा होता, हाथों में और हाथ वगैरह कांपते हैं, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, आँखें बाज़ दफ़ा बल्ज आउट हो जाती हैं। दोनों में बेटा मेडिकल एडवाइस लेनी ज़रूरी है, बिकॉज इस हार्मोन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इफ़ेक्ट्स ऑल द बॉडी, हर तरह से, फर्टिलिटी को भी करता है, बाकी सारे मेटाबॉलिज्म को भी ये इफ़ेक्ट करता है। इसलिए इसके हार्मोन को कंट्रोल करना, आइदर चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो, दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और ये किसी होम रेमेडी से नहीं जाता बेटा, इट यू हैव टू टेक अ मेडिसिन फॉर इट, चाहे वो हाइपो हो चाहे हाइपर हो। मेरा क्वेश्चन जो है ना वो हार्मोनल इंबैलेंस के हवाले से है, इंसान, और अगर कोई यानी मेरा तो शादी हुई है ना तो बेबी बहुत देर से हुए तो हार्मोनल मेडिसिन अभी तक मेरी चल रही है, थोड़ी सी रेगुलरिटी रहती है इस हवाले से, लेकिन बिल्कुल कंटिन्यूअसली सही नहीं ये बैलेंस हो रही है। बेटा हार्मोनल इम्बैलेंस को जो ट्रीट करने के लिए, साइकिल्स को रेगुलर करने के लिए मेडिसिंस होती हैं, ठीक है, टैबलेट्स होती हैं, जैसे ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ना, ये वही हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी बना रही है और उसी फॉर्म में आ रहे होते हैं, पहले ईस्ट्रोजन आता है फिर प्रोजेस्टेरोन आता है और साइकिल को ये रेगुलर कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी भी मेडिसिंस होती हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल कर रही होती हैं, उसको बैलेंस कर रही होती हैं, साइकिल को रेगुलर कर रही होती हैं, वो ज़्यादातर वो होती हैं जो कि प्रेगनेंसी भी नहीं होने दे रही होती, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है, वो उस बच्ची का भी यही सवाल था, इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, 30-40% हमारी बच्चियों में प्रॉब्लम है, इट इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस बेसिकली, जहाँ पे कि हार्मोन्स जो है ना वो सही नहीं आ रहे थे, और उसकी वजह ये होती है कि एग्स के रिजर्व्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्स के रिजर्व्स होते हैं, ओवरीज जो होती हैं ना वो पॉलीसिस्टिक मीन्स कि उसमें बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं, नॉर्मल ओवरी में अगर 5-7-8 पानी की थैलियाँ फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं तो उनके केसेस में 30-40 दोनों तरफ फॉलिकल्स नज़र आ रहे होते हैं। होता ये है कि जब FS जी नहीं बेटा, अगर तो आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कंट्रोल करेंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी एक मेजर रीज़न है इम्बैलेंस का, इसका सिर्फ वज़न से ताल्लुक़ है, आप अगर अपना वज़न कम कर लोगे आपके साइकिल्स ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगे खुद ब खुद। थैंक यू।
like you said, estrogen is the happy hormone of a woman. How can we increase the level of this hormone through our diet? अच्छा, अभी तो खैर मेरा इतना इसके ऊपर वो नहीं है, लेकिन आजकल बड़े हमने पढ़ी हैं चीज़ें कि जिनमें ईस्ट्रोजन जो होता है, जैसे वो एक होता है अलसी होती है कि, या इस तरह की होती हैं चीज़ें डाइट्स में जिनमें कि ईस्ट्रोजन हार्मोन आ रहा होता है, बट मुझे इतना इसका वो नहीं है, नॉलेज नहीं है। कुछ रीजन फीमेल्स में भी और बाज़ मेल में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खवातीन सफ़र करती हैं। आपको बताया कि अगर इनकेस फीमेल में प्रॉब्लम है तो वो तो उसके लिए एग्री होगी ट्रीटमेंट के लिए भी, लेकिन हमारा ये सोशियो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें मेल जो है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो कोऑपरेटिव नहीं होते, तो इसमें क्या ऐसी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और या फिर क्या ऐसी डाइट जो है मदर्स जो है वो दें कि जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो इतना रेज अप ना हो जितना इन दिनों ये है, ऐसा है नहीं बेटा, डाइट से कुछ नहीं होता, इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस। अभी तक असल में प्रॉब्लम यह था कि इनफर्टिलिटी वॉज कंसिडर्ड एज अ फीमेल इशू ओनली, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता आदमी भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो 50% ऑफ द प्रॉब्लम लाइज विद द मैन, ठीक है ना। ये टोटल जो है वो अवेयरनेस अपने आप को देने की बात है, जब आ जाएगी एक दफ़ा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे आदमी के हमारा भी प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये सिर्फ अवेयरनेस लाने की बात है, जिस वक्त आदमी रियलाइज़ कर लेंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम दोनों तरफ हो सकता है, तो ये सारे सोशल इशूज़ भी जो है ना बेटा ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। डाइट का बेटा नहीं है, डाइट तो बल्कि अब जिस तरह का पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम चल रहा है, माओं को चाहिए कि और बच्चियों की डाइट का 10-12 साल की उम्र से कंट्रोल करें, डाइट को डाइट कंट्रोल करना, उनको जंक फूड देना बंद करें, क्योंकि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी का इशू है वो शुरू होता है एट मेनार्की। अगर उस टाइम से आपने उस चीज़ को नहीं कंट्रोल किया तो फिर उसको जाके आप 20-25 साल की उम्र में उसका कंट्रोल करना, उसका वज़न कम कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये शुरू से करना है काम करने वाला, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।